जब ये बना था, जब उसको उसकी बुनियाद रखी गई थी, जब ये बनकर तैयार हो गया था, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अब सहारनपुर के ही आसपास के जनपदों से भी लोगों को चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा और जहाँ हार सेंटर हो जाएगा, मेट्रो सुविधा से मिलेगी, उस कोई सुविधा न पहले मिली न आज है। और मेडिकल कॉलेज का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका कोई प्रॉपर इस्तेमाल नहीं है। मैंने कई बार इस इशू को विधानसभा में भी उठाया है, बार बार सरकार ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि अगले एक महीने में मामले सब सुधर जाएंगे, परंतु उस सब के बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं आया है। अभी 18 तारीख को फिर दोबारा विधानसभा का सत्र है, मैं फिर पुनः सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाने की कोशिश करूंगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि नया मेडिकल कॉलेज है, अभी यूपीआरएमएन की एजेंसी है जो इसको बना रही है, निर्माण एजेंसी है, अभी उससे हमारी बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हो पाई है, सारे वार्ड्स हैंडओवर नहीं हुए, अभी उनमें कार्य चल रहा है, हैंडओवर की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो जब तक वो हैंडओवर ना कर दें हमको, तो वो अभी उन्हीं के अंडर है, इसलिए ताले लगाए हुए हैं क्योंकि सामान उनकी लेबर भी काम कर रही है, इधर उधर कहीं मिस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इस वजह से ये ताले लगाए हुए हैं, जैसे ही हैंडओवर की प्रोसेस पूरी हो जाती है वो सब चालू हो जाएगा उसमें।